Hey, what is going on guys? HR is here. Hope you guys are having a great day. Welcome back to the channel. So guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. और जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में देखे हो और आप लोगों को पता होगा कि हमने एक रॉक फोर्सेस पर एक ज्वेलरी शॉप है वो रॉबरी करने के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा एक प्लान कर रहा था. और आज कुछ देर पहले लेसर की फ़ोन आया था और लेसर मुझे कह दिया कि हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और एक चीज़ चाहिए होगा, वो है एक गैस. जो गैस कंपनी है वो उस लोगों की ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं. उस आप लोग शायद इस मिनी मैप पर देख सकते हो कि HS लिखा है. तो हमें उस वैन से कुछ चुराना है जो गैस है और वही हमारे मिशन के लिए ज़रूरी है. तो इधर हमें इस ह्यूमन वैन की फुल कार्गो को चोरी करना है या इस कार्गो की जो पीछे एक गैस है वो चुराना है. तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. तो इधर मैंने एक शूट कर दिया और इधर तो उन लोगों ने चौकड़ना हो गया और इधर पुलिस भी पड़ गया पीछे एयरपोर्ट एरिया पर. आगे तो पुलिस तो पड़ेगा ही. उसकी गाड़ी तो मैं साइड लाइन से घिसता हुआ ले जा रहा था, लेकिन इस बंदे को देखो कितनी ज़्यादा तगड़ी ड्राइव कर रहा है. मेरे गाड़ी के ऊपर से चला देगा ऐसे. मैं शूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, शेट मैन. और इधर तो मैंने सोचा कि वो उसने हार मान ली और इधर तो उसने हार नहीं माना. इधर उसने उसकी गाड़ी जो है वो फिर से भगाना चालू कर दिया और इधर मैं उसे शूट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो इधर पीछे से शूट करके देखते हो इस लॉकर को तोड़ सकते हैं कि नहीं. यस, मैंने तोड़ दिया. और भाई साहब मुझे जो चाहिए वो शायद पीछे गिर गया. मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ. इधर बीजी जो ग्रेनेड्स है वो पीछे गिर गया. भाई कोई ले मत लियो, मार दूंगा. ओ भाई साहब गाड़ी रोक दे, मुझे पहले ये सब कलेक्ट करने दे. ओके, मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया और अब कुछ पुलिस से बस पीछा छुटाना है. तो तब मैं जाकर लेस्टर से मिलूंगा. तो इधर से मैं कोई पतली गली इधर से जाऊँ, इधर लेफ्ट से चला जाता हूँ. पुलिस शायद इधर से नहीं आएगा. तो मैं आगे जाकर मेरा गाड़ी जो है वो घुमा लूँगा. पुलिस पीछा छोड़ दिया, गाड़ी को मैं इधर छोड़ दूँगा. ओ भाई टैक्सी मिल गया, जल्दी से टैक्सी को रोक लेता हूँ. इधर टैक्सी बुला लिया और इधर टैक्सी भी रुक गया और ये मुझे बिल्कुल आसानी से लेस्टर की गारमेंट्स फैक्ट्री तक पहुंचा देगा. भाई साहब आगे देख और ये वे पॉइंट कहाँ है, वे डेस्टिनेशन पर. चल चल ला मेसा. चलो भाई. तो चलो गाइस हम लोग चलते चलते आगे लमेसा पे. और इधर मेरा जो बिजी गैस है, बिजी ग्रेनेड कह सकते हो, वो लेकर इधर आ गया. और इधर ऑफिस की बीच वाली रूम पर ये रख देना है. और इधर मैंने इस सूटकेस ड्रॉप कर लिया और इधर लेसर को फ़ोन कर पता देता हूँ कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया और ये फैक्ट्री पर वो अब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ काम के लिए इधर आता है वरना इधर नहीं आता. तो मैं उसे बता दिया और उसने कह दिया कि तुम वहीं रुक जाओ, सुबह हम सारे आ जाएंगे. और इधर सुबह भी हो चुका है और इधर सारे बंदे आ गए. फ्रैंकलिन इधर मौजूद है, माइकल मौजूद है, साथ पर पेज है जो हैकर था वो, और लेस्टर तो है ही. और ये दो बंदे, एक नॉर्म है और दूसरा है शायद आर से कुछ नाम था, मैं भूल गया. एक गनमैन है और दूसरा है ड्राइवर. तो इधर हमारा जो माइकल है वो पूरी प्लान उसे फुल स्क्वाड को समझा दे रहा है कि हमें बहुत स्मार्टली काम करना होगा और हमें किसी को मारना नहीं है और हम जितनी भी सावधानी से काम करेंगे उतने ही हमारे लिए बेहतर होगा और पुलिस से पंगा नहीं लेना है हमें. और जैसे जैसे करके फुल जो ज्वेलरी शॉप है वो साफ कर देना है, वो सारे कुछ हमने हथियार लेना है. तो तब भी हमें बहुत ज़्यादा कट मिलने वाला है वरना हमें कुछ स्मॉल ही रकम मिलेगा. तो इधर माइकल फुल्ली जो प्लान है वो इन लोगों को ब्रीफ कर दे रहा है और कोई भी चोरी करने से पहले ये करना चाहिए वरना अगर तुम्हें टीम के बारे में पता ना हो तो अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. तो इधर हमने निकल गया और फ्रैंकलिन हमारे साथ जाने वाला है. नॉर्म एंड करीम बक्सटर की जो वैन हमने पिछली वीडियो में चुराया था वो लेकर आएगा. और ये पेज जो है वो इस बड़े से ट्रेलर को लेकर आएगा. और मैं इधर फ्रैंकलिन को कह देता हूँ कि बहुत ज़्यादा गैस मत दे दियो वरना शायद अंदर जो बंदे हैं वो मारे जाएंगे. तो हमारी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को हम मारे, हम जस्ट इस गैस को यूज़ करने वाले हैं उन लोगों को सिर्फ बेहोश करने के लिए और कुछ नहीं. और फ्रैंकलिन को मैंने समझा दिया कि एक ही गैस डालना, ज़्यादा डाल दोगे तो शायद वो लोग मर भी सकते हैं. और
फ्रैंकलिन कह रहा है कि तुम मेरे को ट्रस्ट नहीं करते, मैं जो तुम्हारे लिए गाड़ी से याच पर जंप कर कर चला गए थे और अब फिर से याच से जंप कर कर तुम्हारी गाड़ी पर आ गए थे, तुम उस बंदे को ट्रस्ट नहीं करते। तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है और मेरा जो स्क्वाड है बाकी वो तुम्हें नहीं पहचानता और तुम्हारे काबिलियत नहीं जानता। तो यही करो कि बहुत सावधानी से काम करो और कोई भी गड़बड़ मत करना, और आगे से हमारी गाड़ी जो है लेफ्ट पर रोक देना है, इधर लेफ्ट येलो मार्क पर ही रोक देना है और उसके बाद ऊपर जाना है गैस फेंकने के लिए। अब शायद इधर फ्रैंकलिन ही जाएगा। ओके, इधर अब फ्रैंकलिन जाएगा और अब हम फ्रैंकलिन बन चुके हैं और इधर चलते हैं इधर इसकी रूफ टॉप पर। ओके, इधर से मैं जल्दी से चढ़ जाता हूँ लैडर और उसके बाद चढ़ जाता हूँ रूफ टॉप पर। जंप कर कर इधर आ गया और पीछे हमारा जो रूफ टॉप है, भाई साहब कितना कबूतर इधर बैठा हुआ था। तो चलो गाइस, मैंने चलते चलते इधर वेंट की बहुत करीब आ चुके हैं और इधर सिर्फ विंटेज पॉइंट पर उठकर हमें सिर्फ उस वेंट पर जो येलो मार्क देख रहे हैं उधर यस बीजी गैस को थ्रो करना है और मैंने ये थ्रो कर दिया और ये कुछ ही देर में इसका कमाल जो है वो दिखाना चालू कर देगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ और एक डालू क्या, नहीं शायद हो गया यस। तो इधर उस वेंजेलो को जो ज्वेलरी शॉप है उसके अंदर की सीन देखा रहा है कि कुछ कस्टमर आया है, मैनेजर उससे डील कर रहा है और इधर एसी से तो भाई साहब गैस निकल के और सारे बेहोश हो गए। ओ भाई साहब तू तो खुद भी गिर रहा है और साथ के साथ एक बंदे को भी लेकर गिर रहा है। इधर माइकल और बाकी दो मेंबर आ गए और इधर हमें हाथ साफ करना है। ओके, पेश कह दिया कि अलार्म नहीं बजेगा, उसने हमें 90 सेकंड्स दिया, इस 90 सेकंड्स पे हमें सारे कुछ ले लेना है और देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इधर तो हमने चार जगह सर्व कर दिए और वो बंदे जो है वो भी काफ़ी सही काम कर रहा है। जब भी कोई ऐसी शॉप पर या घर पर जो जिधर अलार्म रहता है उधर फायर वगैरह लग जाए तो ऐसा कुछ हो जाता है कि अलार्म बज उठता है, आप लोगों को शायद पता है। और ऐसा ही कुछ इधर भी सीन है, लेकिन पेज जो कर रहा है वो है इस अलार्म को 90 सेकंड्स के लिए रोक दिया और इस टाइम पर ही हमें जो हमारा काम है वो कर लेना है। और हमें देखो 3 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे मिल चुका है, 4 मिलियन हो चुका है और हमें सारे के सारे जो पैसे वो ले लिए, सारे के सारे पैसे नहीं, सारे के सारे ज्वेलरी ले लिए। और ये बंदे इधर क्या कर रहे हैं, भागो इधर से, हमें जाने दो। ओ देखो इधर अलार्म भी बज गया और इधर मैं बैग जो है वो फ्रैंकलिन को दे दिया और माइकल पीछे चला गया, पता नहीं किधर चला गया और मुझे अब नहीं पता किधर जा रहा है। मुझे सिर्फ इस आगे जो दो बंदे हैं, एक करीम है और दूसरा जो नॉर्म है, उन लोगों के साथ ही रहना है कि क्योंकि मुझे नहीं पता कि किधर जाना है, मुझे इस बारे में नहीं बताया गया। इधर पुलिस भी आ गया भाई साहब, शेट 4 स्टार्स की पुलिस लग गई पीछे। अभी तो भाई साहब FIB और बाकी सारे बंदे आ जाएंगे, सीक्रेट एजेंट सारे जो है। ओ शेट, इधर से पुलिस देखो, ओ इधर से नीचे जाना है भाई, कंट्रोल कर लियो, नाइस नाइस नाइस। और इधर से पतली गली, ओ शिट 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 शिट, एक बंदे ने गिर गया और उसकी जो कार था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और फ्रैंकलिन जल्दी से वो लेकर हमारे बाइक पर आ गया, वरना शायद तो हमारा जो रकम हमने उठाया वो तो आधे हो जाते। और इधर मैंने जो मेरा बंदे है वो खो दे रहा हूँ और आगे जो एक बाइक वाला है वो आगे बहुत आगे निकल गया, तो इसलिए मैंने फ्रैंकलिन का जो स्पेशल एबिलिटी है वो यूज़ कर रहा हूँ, वरना आगे जाकर कुछ दिक्कत हो सकती है कि अगर इस क्रू मेंबर को हमने खो दे तो हमें नहीं पता कि किधर जाना है, मिशन फेल भी हो सकते हैं। ओके, इस बंदे अब इधर बता रहा है कि उसे नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। ओ भाई साहब, मैंने क्या ही बंदे ले लिया, एक को ढंग से गाड़ी नहीं चलाना आता और दूसरे को तो पता ही नहीं किधर से जाना है। बहुत कम कर देते देते तो मैंने इधर पंगा ले लिया, अगर अब उसने गलत रास्ता चूज कर लिया तो बहुत गंदी तरह हमने पुलिस के हाथ लगने वाले हैं। तो देखते हैं, इसने तो इस रास्ता पकड़ लिया, इसे पता भी है या नहीं वो भी नहीं पता। और इधर हम स्पोर्ट्स बाइक इस मिट्टी पर, मिट्टी तो कह नहीं सकते, इधर कीचड़ है, कीचड़ पर हम इस स्पोर्ट्स बाइक को चला रहा हूँ और इधर से ऊपर जाना है। ओ नाइस, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, गैस टैंक पर मत भिड़ियो। ओ शिट भाई साहब, बाल बाल बच गया, मैंने तो सोचा कि ना जाने गैस टैंक से हम भिड़ जाए और ये अगर फूट जाता तो इधर ही मिशन तो फेल हो जाता।
और हमारा जो रकम है वो कम नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि जल्दबाजी में उस बंदे का जो बैग है वो ले लिया था, वरना 2 मिलियन समथिंग हमें मिलता। अच्छा किया कि ले लिया, वरना मार्टिन का ही हमने रकम है वो ही पे नहीं कर पाता। तो इधर हमने बाइक को जैसे तैसे कर अंडरग्राउंड से लेकर जा रहे हैं। इधर से शायद कुछ टनल जैसा बन रहा है, मेट्रो या कुछ बुलेट ट्रेन वगैरह के लिए शायद, मुझे नहीं पता। और अंदर से भी काफ़ी सही ही लग रहा है, और आगे से शायद हमारा रोड एंड है, क्योंकि आगे से तो ऐसा ही लग रहा है मिनी मैप पर। और इधर यस, रोड का एंड हो चुका है और इधर हमने निकल चुके हैं। और भाई साहब कितने सारे पुलिस आ गए, और इधर हमने अब शायद फ्रैंकलिन या लेस्टर बन गए, नहीं इधर हम फ्रैंकलिन बन गए। तो हमें क्या करना है, ओके कॉप्स को इधर से डिस्ट्रैक्ट करना है। कॉप्स को कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ओके अगर मैंने पुलिस की गाड़ी को एक बार ज़ोर से धक्का मार दूँ तब भी उन लोगों की गाड़ी का जो कंट्रोल है वो ऑफ हो जाए। तो ओ भाई साहब इधर से आ गया। ओके अब मैं पहले इस गाड़ी को जाने देता हूँ और पीछे से मैं उन लोगों को शूट कर दूंगा। और इस गाड़ी पर पेज और माइकल इस दोनों है, और पेज इधर से शायद कुछ कंट्रोल कर रहा है और देखते हैं। ओके भाई साहब तुम लोग आगे जाओ। ओके इधर माइकल भी पूछ रहा है कि तीसरा बंदा कहाँ है, उसका बाइक वो कहाँ है। फ्रैंकलिन बता दिया कि तुमने इतना सस्ते बंदे लिए कि वो उधर ही गिर कर मर गया। इधर तो माइकल खुश है कि हमने वो बैग जो है उसका वो उठा लिया, वरना तो शायद बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ जाता। तो इधर हमारा जो दो बाइक है वो इस वैन के अंदर हमने ले लिया, और अब इस वैन को लेकर जाना है हमें लॉकअप पर। और इधर देखो करीम डेंस और जो पेज हैरिस है, दोनों की जो स्किल्स है वो 25% कर बढ़ चुका है, तो ये कुछ अच्छा बात है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम हेस्ट करेंगे तो इस करीम डेंस और पेज हैरिस को ले लेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस कुछ गैदर ऑलरेडी हो चुका है। तो इधर से सिर्फ हमें लेफ्ट मुड़ना है और उसके बाद से आगे से राइट मुड़ना है, और हम आ जाएंगे हमारे लॉकर पर। और उधर हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा लॉकर है, देखते हैं आगे जाकर। ओके इधर पुलिस तो हमें छोड़ दिया, वो कह रहा है ये। और इधर देखो लेस्टर भी खड़ा है, और इधर हमारा जो गाड़ी है वो इधर रुक देना है, और इसी के साथ साथ हमारा जो प्लान्ड हेस्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है। और इधर माइकल आ गया गाड़ी से उतर कर, और बाकी सारे बंदे भी आ गए। और हमने इधर एक पर्दे से एरिया है वो छुपा दिया, हमारा गाड़ी भी छुपा दिया। हमने इस प्लान को सक्सेसफुली कर लिया, और इसलिए फुल हमारा स्क्वाड खुश है। और इधर माइकल भी कह रहा है कि देखो मैंने जो बंदे फ्रैंकलिन चूज किए वो काफ़ी काम का निकला। और इधर जो लेसर है वो भी इस बात पर एग्री कर रहा है। और इधर माइकल कह रहा है कि फ्रैंकलिन तुम भी अब घर चले जाओ, जब भी लेसर इस सारे गोल्ड्स डायमंड्स को बेच देगा और उसके बाद जो पैसे आ जाएगा तो हम इक्वली सब ने डिवाइड कर लेंगे। इधर जो माइकल एंड लेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उन लोगों की जो प्लान्ड हेस्ट है वो काफ़ी सही गया। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर इस वाली वीडियो पसंद आए तो जाके लाइक बटन को दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।